सोच के देखो, सच में सासू माँ? माँ जी, मतलब आप हम में से किसी को नहीं निकाल रही हैं? लो, जो बहुएं भोले ने वरदान में दी, उन्हें भोले से कह के घर से निकाल दूंगी। अरे तुम चाहे कितना भी सर खाती हो मेरा, लेकिन पर हो तो प्यारी बहू है ना, मैं तुम्हें कैसे निकालूंगी? हम लोग कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। ये दीदी, अब आपको घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, और आपको नहीं जाना पड़ेगा तो मुझे भी नहीं जाना पड़ेगा। भोले बहुएं मान गई हैं, अब मेरा वरदान वापस मत लेना। हाँ भोलेनाथ, अब माँ जी को वरदान जरूर देना। जरूर देना, जरूर देना। सासुमा सासुमा, क्या बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है आप जो वो वरदान मांगने वाली हो ना, तो मेरे लिए किताबों के साथ साथ ना थोड़ी वो चांदी का पेन भी मांग लेना। माँ जी, माँ जी, और दीदी को पूजा के लिए ना एक चांदी की घंटी भी, और मेरे लिए एक चांदी की कड़ची भी, और हाँ माँ जी, उस चांदी की कड़ची में ना वरुण धवन का ऑटोग्राफ भी। और माँ जी मैं क्या बोलती हूँ, मेरे लिए आप ना चांदी का, नहीं चांदी का क्यों, सोने का मांग लेना, वो ना एक सुंदर सा सोने का हार मांग लेना। अब तुम सबके दांत निकलवा के सोने चांदी के जड़वा दूं? बड़ी मजाक क्या है हमारी सासू माँ। जाओ अब सब लोग जाके महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारी करो, और सुनो, सुबह के रुद्राभिषेक से लेके शाम के भजन कीर्तन तक सब कुछ एकदम बढ़िया होना चाहिए। अवश्य मैया। जिसे देखो लालच। हाँ बस तुझे छोड़ के तो पूरी दुनिया लालची है, क्यों मैया? बस बस, दस्तोगी की दुकान तुझे मिल जाएगी, मैं बात करती हूँ। ओम नमः शिवाय। प्रभु, चुस्त रुस्त कुंती अपने बड़े से बंगले से निकलकर अपने शांत मन तेज बुद्धि कन्हैया के आसपास की दुकानों को मिलाकर बनाया हुआ शोरूम देखते हुए दामाद जी की आलिया भट्ट के साथ लगी फिल्म देखने के बाद कुसुम का हीरो का हार लेकर बहुओं की चांदी का पेन, चांदी की घंटी, महाशिवरात्रि के महाशिवरात्रि के प्रसाद खा के, नहीं नहीं माँ जी, महाशिवरात्रि के प्रसाद के लिए चलाए के लड्डू और व्रत के लिए फलहार बना दिए। हाँ ठीक है ठीक है, जा। चुस्त दुरुस्त कुंती अपने बड़े भजन रात्रि का सामान तैयार करते हुए समय है? नहीं सासू माँ, मैं ये कह रही थी कि भजन रात्रि का सामान तैयार है, और आपको पता है परी ने ना सबके साथ सेल्फी लेने का इंतजाम भी कर लिया है। हाँ ठीक है बढ़िया, जाओ। हाँ चुस्त दुरुस्त कुंती अपने बड़े से बंगले से निकल कर सब नीले कपड़े पहने और नीले कपड़े पहन के जाते हुए, मेरा मतलब माँ जी आज हम सब नीले कपड़े पहनेंगे, क्योंकि भोलेनाथ का दूसरा नाम नीलकंठ भी है ना। हाँ ठीक है जाके भोलेनाथ के बाकी के नाम भी याद करो, और मुझे ये याद करने दो वरदान भी तो मांगना है प्रभु से। हाँ ठीक है माँ जी। हाँ प्रभु, चुस्त दुरुस्त कुंती मैं मुझे शिव जी के साथ सेल्फी लेते हुए चल। नहीं मैं, मम्मी जी मैं पूछ रही थी कि जब शिव जी आएंगे तो मैं उनके साथ सेल्फी ले लूं। हाँ ले लेना, अभी मुझे ये याद करने दे। हाँ चुस्त दुरुस्त कुंती अपने बड़े से बंगले से निकल कर भूलते हुए पता नहीं कहाँ चली गई। क्या सासू माँ, भूल गए थे वो भगत हलवाई का उधारी भी तो बाकी है, लिख लो ना। हाँ ठीक है। छीट वाला कुर्ता। हाँ। सुनो, एक उजला जूता चाहिए था और
छोटा वाला मोजा आता है ना आजकल। हाँ ठीक है, मुझे याद करने दो। अब हमने नाटक मंडली में 9 लोग हैं, कपड़े व्यवस्था भी लिखवा दो। लिख दो लिख दो। हाँ ठीक है, हम मुझे याद करने दो। और कुछ रहेगा तो हम शाम तक बताते हैं। लिखो। चुस्त दुरुस्त कुंती अपने बंगले हार पहन कर निकलती है और जाती है। मेरा हीरो का हार। हाँ कुसुम, मांग रही हूँ, तू जा हाँ और मुझे याद करने दे। अरे तुमको हीरो का हार नहीं, जीरो का हार मिलेगा। तुम सासुमा को परेशान कर रही हो, याद करने दो। भूल गई तो सबको मिलेगा ठेंगा, फिर गरीबी में जिंदगी बिताते रहना। जाओ। चुस्त दुरुस्त कुंती अपने बंगले से निकलकर आलिया भट्ट के साथ फिल्म में काम करने के बाद आलिया भट्ट लिख लेना। कुंती देवी, आप आ गए प्रभु, धन्य भाग हमारे, धन्य भाग। हाँ कुंती देवी, आ गया मैं। और जैसे हमने कहा था, शिवरात्रि पे जो भी मांगोगी हम तुम्हें देंगे। अब कुंती देवी, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मांगो, क्या वरदान चाहती हो तुम हमसे? महाशिवरात्रि के पर्व पे प्रभु भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु, आप थोड़े समय बाद वापस आ सकते हैं? अर्थात? मतलब कि डायरी को भी अभी खोना था, कहाँ रखती है वो डायरी? क्या हुआ कुंती देवी, मांगो जो मांगना है। वो कहा है ना प्रभु, पूरा वरदान याद नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा समय चाहिए था। कुंती देवी, आज महाशिवरात्रि है, हमें लाखों भक्त स्मरण कर रहे हैं, शीघ्र ही हमें उन्हें भी दर्शन देने के लिए प्रस्थान करना होगा। मर गई डायरी, ढूंढ डायरी। वरदान मांगो कुंती देवी। प्रभु, पहले आप मेरा एक काम कर दो, वो डायरी मिलवा दो मेरी, फिर मुझे वरदान मांगने में समय नहीं लगेगा, मैं झट से मांग लूंगी। अवश्य, तथास्तु। प्रभु, चुस्त दुरुस्त कुंती अपने बड़े बंगले से बड़ी गाड़ी में निकल के अपने शांत मन तेज बुद्धि कन्हैया के आसपास की दुकानों को मिला के बना शहर का सबसे बड़ा शोरूम देखते हुए दामाद जी की आलिया भट्ट के साथ लगी फिल्म देखने के बाद कुसुम का हीरो का हार लेकर बहुओं की चांदी का पेन, चांदी की घंटी, चांदी की कड़छी लेकर बैंक के लॉकर में रखने जाऊं प्रेमा का हार और सोना 5-5 तोले, बस इतनी अर्ज पूरी कर दो ओ मेरे भोले। कुंती देवी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? वरदान मांग रही हूँ प्रभु। पर वो तो हम तुम्हें प्रदान कर चुके हैं। कर चुके? अभी तो आपने मेरा मांगा हुआ दिया ही नहीं। कुंती देवी, स्मरण करो, बस कुछ ही पल पहले तो मांगा था तुमने। कहाँ मांगा था प्रभु? अपनी पत्रिका। तुम ही ने तो कहा था, प्रभु मेरी पत्रिका कहाँ है ज्ञात करा दीजिए। मैंने तथास्तु बोल के करा दी और तुम्हें अपनी पत्रिका मिल गई, हो गया तुम्हारा वरदान पूरा। का? हाँ कुंती देवी,
और मैंने एक ही वरदान पूरा करने का वचन दिया था। हम तुम्हें वचन देते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पे हम तुम्हारे घर पुनः तुम्हें दर्शन देंगे और जो तुम मांगोगी वो वरदान भी देंगे, परंतु एक ही वरदान देंगे। ये कैसा वरदान दिया है? मेरी खोई हुई डायरी मिलवाने का? तुमने जो मांगा मैंने वही दिया, और तुम तो जानती हो एक बार जो मैंने तथास्त। मैया कहाँ हूँ मैया, भोलेनाथ आए? अरे कहाँ हुआ बोलना। हंसले लल्ला हंसले। अरे मैया मैं तुझ पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो बोले कि अपरंपार लीला के बारे में सोच रहा हूँ। अब इसमें सोचना का है? वरदान में मुझे मेरी डायरी देके चले गए। और ये सब हुआ का है मैया? तेरे लालच की वजह से। हाँ मैया, शिव जी पहले ही सतर्क करके गए थे ना। पुत्र, कुंती देवी फिर लालच कर रही। कहो कि पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए इन्हीं पांचों की आवश्यकता है, तन मन धन बुद्धि और अध्यात्म, अर्थात वो इन पांचों में से एक को चुन ले। पर तू नहीं मानी मैया, एक ही वरदान में सब कुछ पाने की चाह, इतना सब कुछ कि जब मांगने की बारी आई तो तुझे खुद ही याद नहीं रहा। और आखिर में मिला का मैया ई डायरी जो तेरी खुद की ही थी। हे मैया, 10 चीजें पाने के चक्कर में एक भी नहीं मिली। अब तो मानती है ना मैया कि भोले भंडारी गलत नहीं कहते, लालच बुरी बला है। चल ना मैया, अब उदास मत हो। वरदान में धन दौलत नहीं तो क्या हुआ, शिव जी की सीख ही सही। और फिर तेरे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा वरदान पहले से ही है, तेरा लल्ला और तेरी पांच पांच बहुए। चल चल। देख मैया, ये है तेरे वरदान। और बचपन में तू ही तो सिखाती थी, जो मिले तो अच्छा, जो ना मिले तो और भी अच्छा। तो बोलो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। 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 मैया क्या हुआ, शिव जी आई तुझे वरदान देने? सासू माँ देखो ना, हम तो फूल भी खरीद लिए आलिया भट्ट को देने के लिए। भोलेनाथ को बोलियो ना हमारे हीनो बनने की बात। भोले आए थे और वरदान भी देकर गए पीछे। मेरा सासू माँ, सबके नाम पे एक एक वसीयत है कासिम जी। पढ़ लो। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। मन में कह रही है दीदी, लालच बुरी बला है। कह रही हूँ मैं, लालच बुरी बला है। इका मास्टर दीनानाथ का कक्षा चल रहा है इका। लालच बुरी बला, लालच बुरी बला। नहीं जीजे, ये तो दुनिया के सबसे बड़े मास्टर की परीक्षा का परिणाम है, भोले भंडारी का पैगाम है।
सबके लिए इस महाशिवरात्रि पर कि लालच बुरी बला है। लल्ला मुझे माफ कर दे, तू मुझे शुरू से ही समझा रहा था कि मैया लालच मत कर, मैं ही नहीं मानी, और बात जहां से शुरू हुई थी वहीं रुक गई। मेरी वजह से मैं तुझे बगल वाली रस्तोगी की दुकान भी नहीं दिलवा पाई। उसका दुख मत मना मैया, रस्तोगी ने अपने दुकान बेचने का मन ही बदल दिया, अब जब कभी दुकान बेचेगा देखी जाएगी। चलो जैसे भी हो। सासू माँ को अकल तो आई, इसी बात पे 500 रुपया निकालो। अरे अलमारी में इतना पैसा रखा है, क्या करोगी? लालच पूरी बला है, दामाद के लिए कुछ तो ढीला करो। दो बंगला, गाड़ी, दुकान, सोना चांदी, क्या क्या मांग रही थी, जबकि मांगना चाहिए था कि प्रभु मैं अपने बच्चों के साथ इसी घर में हंसी खुशी जीवन बिताऊं। कम दे या ज्यादा कभी मुंह ना बनाऊ, तेरी कृपा बनी रहे बच्चों पर, मुश्किल रास्ते ये मिलजुल के खुले, बस इतनी कृपा कर दो उम्र खोले। चलो चलो इसी बात पे सेल्फी हो जाए। अरे नहीं नहीं, सेल्फी में भोलेनाथ भी तो चाहिए, इसलिए सब बन जाओ होले होले। जोर से बोले बाबा।